सर एक मिनट, एक मिनट, आपको क्या लगता है हमने ऐसे एकदम डिसीजन ले लिया? ये देख लीजिए, अरे तरुण सर रोइए ना, प्रतीक सर की बात चल रही है ना, चोट के चले गए, मैंने संघर्ष किया 10 साल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे ऐसा है, पिछले 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। जी हाँ, यूट्यूब से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वीडियो साइट, छपरी और क्रिंज लोगों का वीडियो साइट। फिर हम सोचते हैं कैरी मराठी वीडियो कहाँ बनाता है, बीबीक्यू वाइंस कौन चला रहा है, कौन चला रहा है राउंड टू हेल, हर्ष वेणुवाल, आशीष अंजलानी, खान सर, जिनको नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा, और लगे हाथ ये भी गूगल कर लीजिएगा कि PW का मालिक कौन है, क्या मतलब अमन दत्तरवाल। तो आ गए तुम लोग। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स की, ऐसे टीचर जिनको यूट्यूब पर सिर्फ रोने से क्या, घमंडी रोने से फुर्सत नहीं है, ऐसे टीचर जिनके हवा में ज्ञान नहीं बल्कि व्यापार है साहब। देखो भाई, टीचर्स ऐसे लोग होते हैं जिनकी अहमियत हमारी जिंदगी में उतना ही होता है जितना कि एक वाइफ का होता है, और अगर ये लोग गलत निकल जाते हैं तो हमारी पूरी लाइफ गलत वे में ही जाती है। और भाई पढ़ाई ऐसी चीज है जिसको सभी को करना चाहिए, और वो पढ़ाई अच्छी तभी होती है जब अच्छे टीचर्स होते हैं, बट आज के टीचर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे कोई पनीर वनीर नहीं खानी, मैं जीवन चटनी से बिताना चाहता हूँ, पर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। अब भाई मैं अपनी बताऊं तो मैं बैक बेंचर था। वो होता है ना एक लड़का जो कुछ नहीं बोलता, जिसके दोस्त कम होते हैं और कोने में अकेला बैठा होता है और स्कूल की छुट्टी का इंतजार करता है, वो मैं था। और ये बोलते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है क्योंकि मैं निर्लज हो चुका हूँ, लेकिन इतना पता है कि पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हर कोई पढ़ाई ना करके शाहरुख खान तो नहीं बन सकता ना, क्या मतलब उसने भी पढ़ाई नहीं की है। देखो भाई, आमतौर पर मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि जैसे पुलिस वाले अपने डंडे का रिस्पेक्ट करते हैं, बट हद पार वहाँ हो जाती है जब यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ाने नहीं बल्कि ये जताने आ जाते हैं कि उनसे हम है, हमसे वो नहीं। और ये चीज तुमने कहीं ना कहीं देखी होगी। अब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छा और बहुत सही काम कर रहे हैं, बट भाई जब से ये PW आया है ना, माँ कसम मेरे नजर से टीचर्स की इज्जत खत्म होती जा रही है। मतलब कोई यहाँ रो रहा है तो कोई यहाँ रो रहा है, कभी इनके टीचर्स भाग रहे हैं तो कभी इनके टीचर्स भाग रहे हैं। चला इतना तो कोई मैराथन में नहीं भागता। अब नो हेट टू अलक पांडे सर, पर भाई ने टीचिंग को बिजनेस बना दिया है। भाई देखो, भाई ने नो वन कैन स्टॉप द रेवोल्यूशन बोल के रेवोल्यूशन शब्द को क्रिंज बना दिया है। मतलब शिक्षा को व्यापार बनाना कोई इनसे सीखे। पहले मैं इनकी इज्जत करता था, इनकी बहुत तारीफ करता था, बट जब से इनकी वेब सीरीज आई है ना, तब से मैं इनकी क्या खुद की इज्जत नहीं करता। बट अब तुम कहोगे कि भाई तू अपनी इज्जत क्यों नहीं करता, तो भाई है ही नहीं। देखो पहले यूट्यूब पे रोस्टर के 10 दिनों में 20 कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, बट अब ये रिकॉर्ड यूट्यूब के टीचर्स ने तोड़ दिया है। मतलब आज के टीचर पढ़ा कम रहे हैं और कंट्रोवर्सी ज्यादा कर रहे हैं। मतलब रिकॉर्ड तो ऐसे तोड़े जा रहे हैं कि जैसे पॉन अप पे सी। सर एक मिनट, एक मिनट रुकिए, आपको क्या लगता है हमने ऐसे एकदम डिसीजन ले लिया? ये देख लीजिए, अरे तरुण सर रोइए प्रतीक सर की बात चल रही है ना, प्रतीक सर की बात चल रही है। ऑलरेडी टाइम देख लीजिए, कब का टाइम है, 11 जनवरी का टाइम है। 11 जनवरी को हमने ऑलरेडी प्रतीक सर को पहले दे दिया था मैंने। एक मिनट देखिए सर, एक मिनट रुकिए सर, आई एम हाईली डिप्रेस्ड। कसम से टीवी सीरियल से ज्यादा मुझे ये देखने मजा आ रहा है। चला मेरा बच्चा लेना तो थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए इनकी कंट्रोवर्सी देखूं। देखो भाई मुझे नहीं पता इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है, बट इतना देखने के बाद अक्षय कुमार ऑन द वे है इस पे भी एक और बायोपिक बनाने के लिए। और हाँ, अगर ये नौबत आ गई कि टीचर्स रो रहे हैं तो भाई मामला रंगीन के साथ साथ संगीन भी हो चुका है। और जो लोग इस कंट्रोवर्सी को देख के मजा ले रहे हैं तो भाई सुधर जाओ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि संगीन मामले में गांड रंगीन होने में टाइम नहीं लगता। फिजिक्स वाले ने बहुत अच्छा काम किया है, बट जैसा कि PW बड़ा हो चुका है तो जैसे बड़ी बड़ी गोदामों में छोटी छोटी जंगे लगा करती है, वैसे ही PW में ऐसा कुछ होना ही था। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, और आज मैं आपके सामने आया हूँ तो कुछ बात करने के लिए आया हूँगा। नहीं भाई, आप बात करने नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी करने आए थे, और आपने करवा भी दिया और हमारे बेचारे 2 टीचर्स को रुला भी दिया है। देखो भाई, अगर तुम इनको नहीं जानते तो ये पंकज सर केमिस्ट्री वाले। अब सर का नाम पंकज है पर इनका काम तात्या बिच्छू वाला है। सर पढ़ाते केमिस्ट्री है, पर मेरे हिसाब से इनको कंट्रोवर्सी कैसे की जाती है ये पढ़ाना चाहिए। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि आज के समय PW को लोग इतना वैल्यू क्यों नहीं देते? तो भाई इसका रीजन खुद अलग पांडे जी है। भाई ने इंटरनेट पे इतना क्रिंज फैलाया कि लोग भी कहने लगे कि ये PW का मालिक, हरकतें तो इसकी वैसी है ही नहीं। देखो भाई मुझे नहीं पता कौन सही है और कौन गलत, पर पंकज सर को देखकर लगता है यही विलन है, क्योंकि इनका लुक भी विलन वाला ही है। पंकज सर को देखकर किसी को गुस्सा आए ना आए, पर स्टूडेंट्स को पक्का आता होगा। पर अब तुम कहोगे क्यों बे, क्यों गुस्सा आता होगा, इनका काम देख रहे हो कि नहीं? अब कौन सा टीचर अपना काम देना छोड़ के इतनी बड़ी कंपनी के कंट्रोवर्सी में फंसता है, जो कंपनी एट द एंड किसी की नहीं है। पंकज सर डज नॉट नीड ऑस्कर, ऑस्कर नीड्स हिम। अरे नहीं भाई, इनको ऑस्कर नहीं बल्कि 7 तोपों की सलामी दो, क्योंकि ये उसका पक्ष ले रहे हैं जो कभी इनका पक्ष नहीं लेगा। देखो पंकज सर, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, या PW का ऐसे मत चाटिए जैसे कि वो आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। मौका मिला ना तो आपको भी निकालने में या फिर दलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी मेरी बातों को दिल पर ना लीजिएगा बल्कि पिछवाड़े भी लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फनी वे में वीडियो बनाता हूँ। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं है तो कमेंट में गाली देना, बट भाई कुछ तो करना। खैर इसी के साथ मैंने और भी टॉपिक पर बात की जिसे तुम्हें देखना ही चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में दूरी में। तो हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।